अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कांतीलाल जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और हम लोग उनके सेवक हैं। आपने तो हमें सीधा मुख्यमंत्री मैडम के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर मुख्यमंत्री मैडम को हमारा नाम पता चल गया ना, तो वो हमारा तो करियर चौपट। हट तिहारों की जय हो। अरे कितना बोलते हो हा? और क्या बोल रहे हो? काहे दिमाग लगा रहे हो जो है ही नहीं। जितना बोला गया है ना, चुपचाप करो बिना बोले। खबरदार उस मुख्यमंत्री को मैडम कहा तो। अरे गांव की गवारन है, बिंदिया है वो। चाल लग रही तुम्हें ये सब मां की? तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सारा का सारा नाटक आने रचा है? हाँ, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ये बात सही है। अरे अब लेकिन लेकिन अगर 1% भी तुम गलत निकली बिंदिया, और वो किडनैपर की बात सही निकली बिंदिया, तो हम क्या करेंगे? अगर सच में मां मुसीबत में हो तो हम क्या करेंगे बिंदिया, बताओ? नास की बेटी ने हमें ऐसे जाल में फंसाया कि हमारे पास कुछ रास्ता ही ना बचा। जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें? पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। खिड़की से कूदे, बचते बचाते पिछले दरवाजे से निकल कर आए हैं हम। गजब। हम अपने बेटे की नजरों में अपने आप को झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कितनी भी चालें चलनी पड़े, हम चलेंगे। जी चाची, 5 करोड़ कैश का इंतजाम हो सकता है? आप फिक्र मत कीजिए साले साहब, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। सुनिए, ध्यान से जाइएगा। चलो जुबली, चलो जुबली, चलो ध्यान रखो। अभय जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भैया जी, रुक जाइए। आप तो पुलिस वाले हैं ना अभय जी, तो जहां वारदात हुई है वहां का मुआयना तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जाइए, जाकर पहले सासू माँ के कमरे का अच्छे से मुआयना कीजिए और पता कीजिए कि सच में अपहरण हुआ है या नहीं, और फिर बढ़ाइएगा अगला कदम। आपने ऐसा नहीं किया ना तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। अरे बिटिया, आग लगी है बिंदिया। तुम पागल हो गई बिंदिया, ये क्या कर रही हो वहां, आग लगी, उठो। हाँ बेटी, हम पागल हो गए क्योंकि अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह से आपकी माँ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाइए, जब तक आप छानबीन करके नहीं आ जाते हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
कैसी बातें कर रही है बिंदिया? अब है, अरे आग बढ़ रही है। इस गेट पर कोई गार्ड क्यों नहीं है? अरे हम बोलते रुके। अरे बिंदिया सुनो हमारी बात। अरे आग बढ़ रही है, उठो ना, काहे जिद अड़ी हुई हो, उठो। राम भली करे बिंदिया, काहे इस बात के लिए अपनी जान गंवा रही है? अरे कहा सच है कहा झूठ, इस बात को गोली मारना। अरे उठ जा बिंदिया, उठ। अरे बिंदिया उठ जाओ ना। ये अभय को पैसों का इंतजाम करने की में इतनी देर क्यों लग रही है? दोबारा फोन लगा कर पूछ पैसों का इंतजाम हुआ कि ना। बर्फी जी, अगर इतनी जल्दी जल्दी और फोन करेंगे तो फिर किडनैप करने वालों की क्या वैल्यू रह जाएगी? जरूर अभय के दिमाग में बिंदिया जहर घोल रही होगी। एक बार हमारा बेटा ना हमारे पास आ जाए, हम कभी उसे दूर नहीं होने देंगे खुद से। ये क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हम तो बस ये पता करना चाह रहे हैं कि अपहरण सच में हुआ है या नहीं। हुआ है। अपहरण हुआ है बिंदिया। वो पिछला गेट जो हमेशा बंद रहता था वहां सिक्योरिटी नहीं थी, उसका ताला जंग खा गया था, टूट गया था। वो किडनैपर खिड़की के रास्ते से मां के कमरे में घुसा और उन्हें किडनैप करके लेकर चला गया बिंदिया। अब तुम्हें समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ? हमारी बात का यकीन कीजिए अभय जी, हम जो बोल रहे वो भी तो सच हो सकता है ना। अपहरण का नाटक करने में सासू माँ का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अरे आप देख रहे हो, इसकी सुई ना एक जगह पे अटक गई है, कहाँ बोले जा रही है बार बार। अरे बिंदिया, तुम यही चाहती थी ना कि अभय रूम में जाकर तहकीकात कर ले। अरे तो उसने कर ली है, अब तो कम से कम समझ जाओ। मान जा बिटिया, का पता सच में अगवा हुई होंगी समधन जी, और हम तो सिर्फ। बस करो बिंदिया। अरे एक बार क्या गलती हो गई माँ से, तुम क्या ये सोच के बैठी हो कि माँ इस हद तक गिर जाएगी? पहले वो जो डॉक्टर आई थी उसने कहा था कि सर पे चोट लगने की वजह से माँ की ऐसी हालत हुई है, क्या वो झूठी थी? मैं खुद चेक करके आया हूँ कि किडनैप कैसे हुआ, क्या मैं झूठा हूँ? नहीं अभय जी, पर तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि इस बार तुम्हें गलतफहमी हुई है बिंदिया? तुम हमेशा माँ को गलत ठहरा रही हो, क्या तुम कभी गलत नहीं हो सकती? अगर उस किडनैपर की बात सही निकली और माँ को कुछ हो गया बिंदिया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे। हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आपको तो केवल आपकी माँ दिखाई दे रही है ना, लेकिन हमें हमें वो सास दिखाई दे रही है जो अपनी बहू से दुश्मनी निकालने के लिए अपने बेटे को तकलीफ दे रही है। अब चाहे इस बात को माने या ना माने,
लेकिन हम ये बात एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, जिस दिन हम ये घर को छोड़कर, आपको छोड़कर गए, ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे ना, उस दिन आपकी माँ एकदम सही हो जाएगी। वो बस हम दोनों को अलग करना चाहती है। तुम्हें ऐसा लगता है बिंदिया, तो सच कहूं तुम्हें मां पर ही नहीं, मुझ पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यह भरोसा नहीं दिला पा रहा हूं कि तुम्हें और मुझे मां तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बिंदिया। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि वो मेरी माँ है, और इस वक्त वो खतरे में है, और अगर वो खतरे में है तो मुझे उन्हें बचाना जरूरी है। लेकिन अगर वो नाटक कर रही है तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ यही सोचना है कि हम माँ को घर कैसे लेकर आए। स्पीकर पर रख के बात करो। हेलो, क्या सोचा है मुख्यमंत्री मैडम? सासू माँ जिंदा चाहिए या? देखो, तुम माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, समझे? अच्छा तो फिर अब तुम ही बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? बताओ पैसे लेकर कहाँ आना है? गोमती स्टेट के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके पीछे वाली रोड पे सीधे चले आना और 100 मीटर आके अपनी गाड़ी रोक देना, उसके बाद हम तुम्हें फोन करेंगे। शाबाश। अब बोलो बिंदिया रानी, क्या करोगी तुम? मैं माँ को बचाने जा रहा हूँ। ठीक है अभय जी, अगर आपको यही सही लग रहा है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। भैया, आप जीजाजी को फोन करके पूछिए कितने पैसों का इंतजाम हो सकता है, बाकी के लिए मैं अपने दूसरों दोस्तों से बात करता हूँ। आप बेटे होने का फर्ज निभाइए अभय जी, हम पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। हम सच आपके सामने सबूत के साथ लाएंगे, क्योंकि आपकी माँ भूल गई है कि अपनी जिद में वो अपने ही बेटे को कितना चोट पहुंचा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। से पहाड़ के नीचे आता है वो बिंदिया को तो हम ऐसे सबक सिखाएंगे ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए उसे बर्बाद करने के लिए, हम कहा कह रहे, समझ गए? जी मैडम। अरे मैडम जी, ये देखिए फोन पे क्या न्यूज आई है। आज हम आप सब से कुछ बांटना चाहते। मुख्यमंत्री मैडम क्या बोल रही है? हमारे घर से
हमारी सासू माँ का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम इस माध्यम के जरिए आप सब से, उस जनता से जिसने हमें इतना मान दिया, एक छोटी सी मदद मांगना चाहते और अपहरण करने वाले लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा कर रही है कवारन? पिछले दिनों हुए हादसे की वजह से हमारी सासू माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसी हालत का फायदा उठाकर कुछ बुरे लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और अब हमारे पति से 5 करोड़ रुपए भी मांगे। वो रुपए लेके उन्होंने हमारे पति को गोमती स्टेट के पीछे जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है उसके सामने वाली सड़क पर बुलाया है। हम उस जगह के रहने वाले लोगों से विनती करते कि हमारी मदद करें। जिन भी लोगों ने दिमागी हालत से पीड़ित महिला के साथ ऐसा करने की कोशिश की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, याद रखे वो लोग। ये कहां फंसा दिया बर्फी मैडम आपने? अगर हम पकड़े गए तो हमारा तो पूरा करियर ही चौपट हो जाएगा। आप सास बहू के चक्कर में हम बेचारे फालतू फंस गए हैं। हमें माफ कीजिए, अगर गलती से हम पब्लिक के हाथ लग गए ना तो मार मार के हमारा भरता बना देंगे वो। सही कह रहे हो भैया जी, हमें नहीं पड़ना है चक्कर में, हमें ऐसे निकलना है। चलो भाई चलो निकले। हाँ, चलो, चलो चलो यार, हमारा मोबाइल दे दो। अरे अरे कुछ नहीं होगा, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे लल्लन, अरे रुक। अभय जी, अभय जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए आप अपने आप को ना अकेला मत समझिएगा। हाँ हम सब यहीं के, इस इलाके का चप्पा चप्पा हमें पता है, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हम सब आपके साथ हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, साथ में हैं मतलब? हम सब मुख्यमंत्री मैडम का शहर के नाम संदेश देखकर आए हैं। एक मिनट, ये देखिए। सासू माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ बुरे लोगों ने का अपहरण कर लिया और अब हमारे पति से 5 करोड़ रुपए भी मांगे। ऐसा करके तुमने माँ की जिंदगी खतरे में डाल दी है बिंदिया। अरे रुको रुको मेरी बात सुनो। अरे भाई चलो। हाँ चलो चलो चलो, हमें मुख्यमंत्री मैडम की बात का सम्मान करना ही होगा। हाँ उन किडनैपर्स को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। भैया आप आगे जाके सड़क पर देख के आइए, कोई खतरा तो नहीं? जी मैडम। क्या हुआ सासुमा, आप ऐसे सड़क पर अकेले काहे चल रही थी? कहाँ हुआ, आपके अपहरण करता कहाँ चले गए? भाग के छोड़कर चले गए आपको? लगता है उन्होंने टीवी पर हमारा शहर के लिए संदेश सुन लिया होगा, है ना? इतने कच्चे खिलाड़ियों को काम सौंपा था आपने, इसी बात पर डर गए? हट तिहारों की जय हो, हम तुम्हें ना छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना
वरना तो हम भी नहीं चाहते आपको सासों। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप खुद अपने बेटे की जिंदगी के साथ हमारे पति के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं ना नाटक, सिर्फ अपने बेटे को पाने के लिए कर रहे हैं। तुझ गवारन को इस घर से निकाल कर ही चैन लेंगे हम। हम खुद पर 100 तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं सासू माँ, लेकिन अपने पति पर कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हम आपका सच सामने ला रहे हैं सबके। कैमरा देख रही है सासू माँ, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। छोड़ेंगे नहीं हम। हम बोल रहे हैं। रुक जा, हमको कमरा दे दीजिए। वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना। नहीं नहीं, हमको कमरा दे दीजिए। रुक जा।